तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अप। आपको मैं पहले वीडियो में बोल चुका था कि YouTube पॉइंटर्स के बाद चार स्टेप क्या है एडसेंस में, तो उसका ही फर्स्ट स्टेप आज को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कैसे टैक्स फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आज का वीडियो का इंट्रो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं अभी कंप्लेक्स में जाऊँगा, जाके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप टैक्स फॉर्म फिलअप करके दिखाऊँगा, जो ये फोर्थ स्टेप में फर्स्ट स्टेप है। तो चलिए कंप्लेक्स में चलते हैं, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाकी 3 स्टेप भी जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। तो चलिए हम प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं मेल आईडी लॉगिन कर चुका हूँ जिसमें मेरा एडसेंस अकाउंट है। अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा मैनेज होम अकाउंट। इसमें जाने के बाद मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पे डेटा एंड प्राइवेसी, इसको नीचे आना पड़ेगा आपको। आने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऐप सर्विस बोल के लिखा होगा, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे आइए तो देखिए यहाँ पे एडसेंस, आप सिंपली यहाँ पे एडसेंस पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके एडसेंस का पेज ओपन हो गया है। आपको फर्स्ट ही बोल रहा है मैनेज टैक्स इन्फो, यहाँ पे नाम वगैरह देना पड़ता है, इसको बाद में मैं दे दूंगा। तो पहले मैं इसका टैक्स इन्फो भर लेता हूँ। इन्फो थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे भरने के बाद। फिर देखिए सबमिट टैक्स एज सून एज पॉसिबल, तो यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नहीं देख सकते हो, तो यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। मैं क्लिक कर लिया, देखिए यहाँ पे स्टार्ट टैक्स फॉर्म नया एक ओपन विंडो आ गया है। मेरे को यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअल करके, नेक्स्ट। फिर आप क्या यूनाइटेड स्टेट का सिटीजन हो, आपको नो करना पड़ेगा क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा दिस मोस्ट कम्युनिटी यूज नॉन आस इंडिविजुअल क्लेम बेनिफिट, तो हम लोग इंडिविजुअल हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे को आपका बिजनेस नेम देना नहीं पड़ेगा, आपका यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, आई टाइप के लिए इंडिया आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए फॉरेन टीन, तो देखिए यहाँ पे मैं आपका एक पैन कार्ड शो कर रहा हूँ, तो इंडिया में पैन कार्ड का नंबर ही इनफ होता है, ठीक है। और यूएस टीन तो आपके पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ करके। मेरे को यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, इंडिया ही है, स्ट्रीट नंबर में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो थोड़ा इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। आर यू क्लेम रिड्यूस विड्रॉल अंडर टैक्स ट्रीटी, ये इस करना पड़ेगा यहाँ पे करके, यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे पैराग्राफ क्लिक कीजिए, यहाँ पे 0 कीजिए, फिर ये वाला क्लिक कीजिए करके, यहाँ पे पैराग्राफ क्लिक कीजिए, फिर प्रश्न कर दीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए करके, यहाँ पे सिलेक्ट करके पैराग्राफ टाइप कीजिए, फिर यहाँ पे प्रश्न कर दीजिए, तो फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 मैंने सिलेक्ट किया है, फिर नेक्स्ट। फिर देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म आ गया है, आप इसको जूम करके देख सकते हो, करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं इसको सिंपली प्रिंट करके डाउनलोड में रख लेता हूँ मेरा फ्यूचर यूज के लिए।
हो गया है। ओके क्लिक कीजिए, नेक्स्ट। अब ये सर्टिफिकेशन आपका फुल निकलने देना पड़ेगा, तो आप सिंपली आपका इसका फुल नाम दे दीजिए। हो गया है। यस आई एम ए पर्सन लिस्टेड सिग्नेचर विद द कंप्लीट द ओन होल बिहाफ। यस कर लीजिए। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे जो पढ़िए एक्सेप्ट कीजिए। गेट डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट, आप ऑनलाइन आपको मिला जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप इसको सबमिट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गया है। देखिए देखिए यहाँ पे अप्रूव शो कर रहा है। सबमिट ए न्यू फॉर्म कर सकते हो आप यहाँ पे। क्लेम क्लेम क्लेम्ड पूरा आपका यहाँ पे तैयार होकर आ गया है। तो ये आपको शो करेगा।